लगता है कि वैल्यूएशंस थोड़े ठीक हो रहे हैं, जस्टिफाइड है भाव के लिहाज से? अगर हाँ तो जरा लार्ज कैप के बारे में बताइए कि लार्ज कैप में फिर कौन से शेयर आपको ठीक लग रहे हैं वैल्यूएशन वाले मैट्रिक्स पर, और उसके हिसाब से अगर हम डील विंस को भी क्लब कर दें तो? डेफिनेटली वैल्यूएशंस में एक गिरावट तो आई है, जो कि पीक कोविड लेवल्स पे था, वहाँ से वैल्यूएशंस पे थोड़ा सा कटेल आए आए हैं, और ये इम्पैक्ट हो सकता है अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो। लेकिन अगर आप देखोगे 2 साल या 3 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन आप अगर देखेंगे तो एक पॉजिटिव साइड बनते हुए देखता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, क्योंकि डील विंस हुए। अभी सर ने बताया कि डील विंस बहुत अच्छे हैं। इसका एक एक बहुत अच्छा मतलब है कि डील विंस अगर सस्टेन हो रही है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, कुछ भी आज अभी भी कोई भी सुना नहीं हम लोग ने कि डील विंस जो भी हुए या फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो कैंसिल हो गए हैं, एक बहुत अच्छा साइन है। तो जब भी एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में एक स्टेबलाइजेशन आता हुआ दिखेगा तो आईटी सेक्टर विल बी द फर्स्ट सेक्टर जो कि क्विकर रिकवरी दिखाएगा, क्योंकि ये डील में रैंप अप होना चालू हो जाएगा। अभी तो डिले इन डिसीजन मेकिंग है, इसकी वजह से वो डील्स बिलिंग में नहीं आ रहे, क्योंकि ये मल्टी ईयर डील्स रहते हैं, मल्टी कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, स्लोली स्लोली एक उस होते हैं वो एक इम्पैक्ट के और वो एक इमेज के ऊपर जो वैल्यूएशंस टिका हुआ है, और आगे जाके वो वैल्यूएशंस आपको एक अच्छे रिटर्न्स दिलवा सकता है। सेकंडली एक ऐसा रहता है आईटी सेक्टर्स में कंपनीज कैशेज रहती है, कंपनीज का फ्री कैश फ्लो जनरेशन अच्छा रहता है, तो कंपनीज ऑलवेज गिव यू डिविडेंड, एक अच्छा डिविडेंड देती है या फिर बायबैक लाके देती है, जो शेयर होल्डर्स को 80-90% ऑफ द कैश फ्लो फ्री कैश फ्लोज रिटर्न्स कर दिए, तो एक उसका एक इनकम चालू रहता है। सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइड इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन एज यू लुकिंग टू द इन्वेस्टमेंट, अगर आप 2 साल या 3 साल के एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के अगर देखा जाए तो। मेरा ऐसा मानना है कि और एक्सिस सिक्योरिटीज ये बोल सोचता है कि अगर ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज को अगर देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में ईआरएनडी सर्विसेज जो कंपनीज है, साइंट है, एलटीटीएस है, केपीआईटी है, टाटा एलेक्सी, हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन ये बाकी परसिस्टेंट सिस्टम्स है, तो ये जो कंपनीज है वो एक अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम कर रही है, उसका यूरोपियन डिपेंडेंस ज़्यादा है और ईआरएनडी स्पेस में आप कटौती नहीं दिख रही है, और उसके जो डील्स है वो रैंप अप हो रहे हैं, उसके मैनेजमेंट बोल रही है कि वो पेनिट्रेशन अच्छा हो रहा है, इवन फॉर दैट मैटर ऑफ द एचसीएल टेक जो कि ये क्वार्टर में ठीक है 5.4% क्यू-ऑन-क्यू ग्रोथ दिखा है। तो सो जी, एक ये सेक्टर अगर वर्टिकल्स में अगर आप देखा जाए तो एक पॉजिटिव अर्निंग मेकिंग या फिर पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं एक अच्छे होराइजन के लिए आने वाले 1-2 सालों में। अगर ब्लू चिप की हम लोग बात करें तो एचसीएल टेक हमारा टॉपिक है, उसके बाद इंफोसिस, उसके बाद टीसीएस है और टेक महिंद्रा, और लास्ट में विप्रो है। विप्रो हम लोग सेल रेकमेंड कर रहे हैं, तो सो और वन कैन अवॉइड इन द मिड कैप सेगमेंट। हम लोग देख रहे हैं कि परसिस्टेंट सिस्टम, एलटीटीएस, मिड कैप साइंट, ये की कंपनीज बहुत अच्छे कर रहे हैं, ओंकार तो हम जी, लोग मिड कैप की तो ना सुनिए, मिड कैप की हम थोड़ी बाद में बात कर लेंगे, अभी जरा लार्ज कैप फोकस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, आपसे ना मैं फटाफट शेयर का नाम लूंगा और आप उस पर ना ठप्पा लगवा दीजिएगा कि आपकी रीडिंग क्या कहती है, आपके रिकमेंडेशन क्या है। आपने इन्फोसिस को बोला होल्ड, इन्फोसिस को हमने होल्ड कर दिया, विप्रो सेल है, टीसीएस को भी क्या आप होल्ड करने की सलाह देंगे? टीसीएस को डेफिनेटली मैं होल्ड सेल करूंगा, क्योंकि टीसीएस एग्जीक्यूशन लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा है, उसका क्लाइंट इंटरेक्शन एंगेजमेंट बहुत अच्छा है, चैलेंजिंग टाइप्स में वो ये साइज में बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, सो डेफिनेटली मैं उसको होल्ड पे रखूंगा, और हाईएस्ट आरओई है अमंग आईटी सेक्टर, रिटर्न ऑन इक्विटी और मार्जिन। टीसीएस होल्ड, टीसीएस भी होल्ड, एससीएल टेक और एलटीआई माइंडट्री, इस पर क्या भी हो, क्या बाय ये भी होल्ड है या फिर एग्जिट कर लें? ठीक है, होल्ड एससीएल होल्ड कर टेक सकते हैं, पर भी यस होल्ड की ये राय है। ठीक है, परफेक्ट सर, परफेक्ट, हमने बिल्कुल मुहर लगा के राय साफ साफ कि अगर आपके पास जो शेयर स्क्रीन पर आ रहे हैं इनमें अगर आपकी पोजीशन है, आपने इनमें निवेश करके आप बैठे हुए हैं, थोड़े से निराश हैं, मन में सवाल उठ रहे हैं कि अब क्या करना है, निकल जाएं, बने रहें और खरीद लें, ये बिल्कुल क्लियर
कट आपको राय मिल जाएगी और पूरी रीजनिंग के साथ ओंकार आपके सामने रख रहे हैं। और